नमस्कार। नया साल आ गया है, नए साल में ये कुछ आदतें हैं, उस आदतों को आप अपना लेना। इससे आप पूरे साल डॉक्टर से दूर रहेंगे। नंबर वन, पसीना बहाना शुरू करें, अपने शरीर की एक्सरसाइज करना शुरू करें। अगर आप सुबह एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो दिन में एक्सरसाइज करिए, दिन में नहीं करिए तो शाम को करिए। आपके शरीर से पसीना निकलना बहुत जरूरी है। आज की दिनचर्या ऐसी आराम की हो गई है ना कि लोगों को एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता। उनका काम ही ऐसा होता है, ऑफिस में जाते हैं, कंप्यूटर में बैठ जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा आजकल, तो एक्सरसाइज रही कहां। सुबह उठने में आलस आता है तो शरीर को आप कैसे मेंटेन करोगे आप, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। योग करिए, कुछ न कुछ आपको अपने शरीर के लिए करना होगा। आप अपने शरीर का अगर जितना ज्यादा उपयोग लोगे ना काम में, एक्सरसाइज में, उतना ज्यादा आपका शरीर एक्टिव रहेगा। इसीलिए नए साल में जितना हो सके कम से कम आधा घंटा तो अपने शरीर के लिए अवश्य दें, चाहे योग करें चाहे एक्सरसाइज करें, तभी आप अपने शरीर को मेंटेन रख पाओ। सेकंड, खाना खाने का तरीका सही करें। आयुर्वेद में कहते हैं ना कि खाने को पानी की तरह खाना चाहिए और पानी को खाने की तरह खाना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ये, लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी होगी ना तो जल्दबाजी में सुबह सुबह तो ऑफिस जाने का टाइम रहता है या फिर कहीं भी कुछ काम करने का टाइम रहता है, जल्दबाजी में। कभी कभी तो एक एक वो जो निवाला रखता है वो डायरेक्ट भी निकल जाता है इंसान जल्दबाजी में। था शाम को आता है फिर वापिस दाम धीम करके आता है, शाम को भी लेट आता, टाइम नहीं मिलता, शाम को भी जल्दी जल्दी खाना खा लेते। व्हाट इज दिस, आप क्या कर रहे हो? ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। जापानी लोग सबसे ज्यादा क्यों जीते हैं? क्योंकि वो खाने पर सही ध्यान देते हैं। खाने को हमेशा बैठ कर खाया जाए, इससे आपके सुखासन की पोजीशन बनेगी और सुखासन की पोजीशन खाना खाने के लिए बहुत ही बेहतर पोजीशन मानी जाती है। कहते हैं ना खाने का जो एक निवाला है ना उसको 32 बार चबाना चाहिए। मेरे हिसाब से भारत में 70% लोग तो 32 बार नहीं चबाते होंगे, मुश्किल से 30% ऐसे लोग होंगे ना जो एक निवाले को 32 बार चबाते होंगे। आप जितनी बार उस निवाले को अपने मुंह में घुमाओगे ना तो अच्छी लार बनेगी और वो लार आपके पाचन क्रिया में बहुत ही आवश्यक होती है। तो खाना खाने का तरीका सही करें। अधिकतर बीमारियां कैसे होती है? पेट में गैस फूलना, जो 90% बीमारियां है ना पेट से पैदा होती है। अगर आपका पेट सही रहेगा ना तो आपको कोई भी बीमारी नहीं छू पाएगी। थर्ड, पानी है कई बीमारियों का इलाज। लोग पानी भी बराबर नहीं पीते हैं, पता है आपको? खाना खाने के कितने बाद पानी पीना चाहिए, खाना खाने के पहले कब पानी पीना चाहिए, वो सारे ऐसे अपने आयुर्वेद में नियम है जो लोग भूल चुके हैं। अगर आप पानी बराबर नहीं पियोगे ना, आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड नहीं रखोगे ना, तो आपकी तरह तरह की बीमारियां आपको पैदा हो जाएगी। आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। लेकिन अपन भाग दौड़ भरी जिंदगी में पानी पीना तो भूल ही गए, खाना भी जल्दबाजी में खा लेते हैं, फिर जब प्यास लग रही है तो पानी पीते हैं, अदरवाइज नहीं पीते। सर्दियों में तो लोग कभी कभी तो पानी पीने ही, पूरे दिन भर पानी पीने ही भूल जाते हैं। सर्दियों में प्यास नहीं लगती है लेकिन पानी जरूर पीना चाहिए। शरीर पानी मांगता है सर्दियों में लेकिन आपको पता ही नहीं चलता और दिन भर निकल जाता है। इसलिए पानी की बराबर मात्रा अपने शरीर में बनाए रखें। फोर्थ, स्क्रीन टाइम पर दे खास ध्यान। आजकल क्या चल रहा है, ऑफिस में जाओगे कंप्यूटर, दिन में अगर फ्री रहो तो मोबाइल, घर पे आओ तो मोबाइल, आजकल ऑनलाइन क्लासें मोबाइल पे चल रही, हर चीज मोबाइल पे हो रहा है। स्क्रीन टाइम कम करिए नए साल में। अगर आप स्क्रीन टाइम अगर कम नहीं किया तो चिड़चिड़ापन और आपको मानसिक थकान ऐसी हो जाएगी ना, और आपकी आंखों पर ऐसा दुष्प्रभाव हो जाएगा ना कि आप हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे और फिर आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी पड़ेगी। एक टाइम तय करिए मोबाइल देखने का, तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और फिफ्थ लास्ट, जितना हो सके सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। अपने आयुर्वेद में सूर्योदय से पहले उठने का कितना बड़ा महत्व बताया गया है,
लेकिन अपन क्या, अपन तो सब कुछ भूल चुके हैं। रात को दिन रात को आप मोबाइल देखते रहते हो, 11 बजे 12 बजे टाइम के पता नहीं चलता, सुबह उठते हो 7:30 8 बजे, सूरज तो आपके कितने चढ़ गया होता है, और आप जल्दबाजी में फिर नहाते हो और जल्दबाजी एक्सरसाइज करना भी भूल जाते हो, और जल्दबाजी में खाना खाते हो, खाने का वह नियम भी भूल जाते हो, और दौड़ भाग के ऑफिस जाते हो। आज सुबह सूर्योदय से पहले उठोगे ना तो आपको सबसे पहले तो काफी समय मिलेगा, एक्सरसाइज करने का समय मिलेगा, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, आप खाना खाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाओगे, और सूर्योदय से पहले उठने से आपको एक मानसिक शांति, आपका मन स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा।